नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस पार्ट 9। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी थी, टेस्ट पढ़े थे, कोचीज टेस्ट, एबल्स टेस्ट एंड ट्रिचलेट टेस्ट। ठीक है, अब एबल्स टेस्ट क्या है मैं इनकी स्टेटमेंट एक बार फिर से बताता हूँ। एबल्स टेस्ट क्या है? इफ ए टू इंफिनिटी एफ डी एक्स इंटीग्रल, दिस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी एंड जी इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन ए टू इंफिनिटी, देन ए टू इंफिनिटी एफ इंटू जी डी एक्स, दिस इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी। ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो, इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ डी एक्स अगर कन्वर्जेंट है इंफिनिटी पे, जी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन है, तो एफ और जी की जो प्रोडक्ट है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट होगा एट इंफिनिटी पे। ये तो एबल्स टेस्ट है। उसके बाद है डिरिचलेट टेस्ट। इसमें हमें गिवन क्या है, इफ ए टू इंफिनिटी नहीं है। अब यहां क्या है, ए टू टी एफ डी एक्स, दिस इज बाउंडेड। ये बाउंडेड है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए के लिए, एंड जी इज बाउंडेड मोनोटोनिक। देखो, बाउंडेड मोनोटोनिक तो उसमें था है, आल्सो टेंडिंग टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। देन ए टू इंफिनिटी एफ इंटू जी डी एक्स, दिस इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी। ये कन्वर्जेंट होगा इंफिनिटी। ये दो टेस्ट किए थे भाई हमने, ठीक है। तो फर्स्ट एबल्स टेस्ट, सेकंड क्या है डिरिचलेट टेस्ट। अब हम इनकी क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, इनके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 2.4, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 0 टू इंफिनिटी। इसमें देखो पेपर में स्पेशल लिखा होगा टेस्ट द कन्वर्जेंस दिस, तो आपको ये किस टाइप से क्वेश्चन को पहचानना है वो मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट चैप्टर होने के बाद, कि भाई फर्स्ट एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन है, सेकंड के कौन से, तो इस टाइप से। तो अभी तो हम जस्ट एक्सरसाइज के रूल से ही करते हैं। देखो, 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स रेज टू पावर पी डी एक्स वेयर पी इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, देखो इसको, ये जीरो पे इसमें प्रॉब्लम होएगी या नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, इसको तो आई कंसीडर कर लिया सबसे पहले। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 0 टू 1 साइन एक्स रेस्ट पावर पी डी एक्स प्लस 1 टू इंफिनिटी साइन एक्स रेस्ट पावर पी डी एक्स, ठीक है। अब पी तो पहले से ग्रेटर देन 1 दे रखा है, 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ 0 की पावर पॉजिटिव, तो 0 साइन 0 0 1 पे भी ठीक है, तो इसको तो आई वन लिख देते हैं और इसको आई टू, ठीक है। इतना तो पहले भी किया था। देखो, हेयर आई वन इज प्रॉपर सो कन्वर्जेंट, इन केस ऑफ आई टू, आई टू के केस में हमें चेक कर लिया ना कन्वर्जेंस, ये है 1 टू इंफिनिटी साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर पी डी एक्स, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर पी का डेरिवेटिव होता है पी इंटू एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1 साइन एक्स रेज टू पावर पी 1 बाय पी एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1,
डी एक्स ऐसा, ठीक है। अब इसको समझ लो, ये तो है हमारा एफ, और जो अपोन में दिखाई दे उसको समझ लो जी, इस टाइप से, इस टाइप से करना है इसको, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं पहले 1 to t और p x रेस्ट पावर p माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x रेस्ट पावर p dx, इसकी मोड वैल्यू चेक कर रहे हैं, देखो कैसे सोल्व करके। अब इसमें हम क्या कैसे कर सकते हैं, पहले पुट कर दें x रेस्ट पावर p को, मतलब z पुट कर दिया, तो p इंटू x रेस्ट पावर p माइनस 1 dx क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, ठीक है। और वापिस वैल्यू फिर पुट कर देंगे, देखो यहां हो जाएगा, अच्छा लिमिट भी देखो, जब x की जगह 1 पुट कर रहे हो तो z क्या हो जाएगा 1, x की जगह t पुट करोगे तो z क्या हो जाएगा t रेस्ट पावर p। ये सारा, ये तो हो गया dz और ये हो जाएगा sin z dz, इतना ठीक है भाई। हमने क्या किया, x की पावर p को z पुट किया, ये z हो गया और बाकी सारा dz हो गया और ये z की लिमिट हो। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, sin का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस के cos z, 1 टू t रेस्ट पावर p लिमिट इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा माइनस के cos ऑफ t रेस्ट पावर p, माइनस माइनस प्लस cos 1 हो जाएगा। अच्छा लेस देन इक्वल टू अलग अलग के मोड से नहीं लिख सकते आप इसको, देखो ऐसे, ठीक है। और कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो अब आपने क्या प्रूव कर दिया, देखो मैं लिख देता हूं, देयर फोर 1 टू टी और आपने लिखा है एफ डी एक्स मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, 2 को हम कैपिटल एम अगर लिख दें तो पीछे को चीज टेस्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से t f dx और मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, देयरफॉर 1 से t f dx दिस इज बाउंडेड, भाई इसकी मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू एनी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो दिस इज बाउंडेड। एंड gx किसके इक्वल लिखा हमने, 1 बाय p x रेस्ट पावर p माइनस 1, ठीक है, वेयर p ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में देन g इज मोनोटोनिकली, एक तो डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड भी है, आल्सो टेंस टू जीरो एज x टेंस टू इंफिनिटी। देखो भाई इसका अगर डेरिवेटिव करोगे ना वो नेगेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड तो है ही, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम 0 और 1 के बिटवीन आएगा ये सारा कुछ, और इंफिनिटी पुट करते ही पी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो नीचे पॉजिटिव पावर है, इंफिनिटी की पॉजिटिव इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा 0। सो बाय डिरिचलेट टेस्ट, देखो डिरिचलेट टेस्ट से हम क्या लिख सकते हैं, 1 टू इंफिनिटी एफ इंटू जी डी एक्स दिस इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी, ये कन्वर्जेंट हो गया, डेट इज एफ इंटू जी जो सोल्व किया था ना हमने, ये क्या था साइन एक्स रेज टू पावर पी डी एक्स दिस इज कन्वर्जेंट एट इनफिनिटी, सो आई टू इज कन्वर्जेंट, अच्छा आई वन भी कन्वर्जेंट है, देयरफॉर आई इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देखो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, कैसे क्या किया हमने, डिरिचलेट टेस्ट का किस टाइप से यूज किया है, देखो क्वेश्चन ये है, डिरिचलेट टेस्ट क्या है,
if a to t f dx is bounded for all t greater than or equal to a. A to t f dx bounded, g bounded monotonic and tending to 0 as x tends to infinity, then a to infinity f into g dx क्या होता है? Convergent. पहले ये sin x raise to power p था, 0 से infinity है, पहले break कर लिया हमने, इसको i1 i2 बना लिया. i1 proper बन रहा है, proper है तो ये क्या है? Convergent. तो अब i2 के केस में देखो, जो sin x raise to power p, अब यहाँ x square आ जाए, cube आ जाए, कुछ भी, मतलब p के लिए मैं solve करके बता रहा हूँ, चाहे cos आ जाए, चाहे sin आ जाए, दोनों में क्या करना है? x raise to power p है, तो इसका जो derivative है, उससे divide और उसी से multiply. देखो, derivative से multiply, derivative से divide. अब इसको तो हमने f लेना है, जो upon वाला है, उसको g consider करना है. तो पहले 1 से t हम f dx, इसकी mod value क्या दिखा देंगे? less than equal to any positive real number. तो ये integral क्या हो जाएगा? Bounded. और g जो upon वाला है, वो tending to 0 होगा infinity put करने पे. और monotonically decreasing भी है, bounded भी है, तो by Dirichlet test आप क्या लिख दोगे? 1 से infinity f into g dx is convergent at infinity. तो 1 to infinity sin x की power p है f into g, ये convergent at infinity हो गया, that is i2, i2 हमारा convergent हो गया, i1 convergent पहले से था, तो i भी क्या हो गया? Convergent. ठीक है, चलो अब exercise के questions देखो कि क्या है, मैं एक बार questions में बताता हूँ. सेकेंड पार्ट देखो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी कोस ऑफ ए एक्स माइनस कोस ऑफ बी एक्स अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वेयर डी एक्स. इसको आप इस तरीके से लिखोगे, देखो 0 टू इन्फिनिटी कोस ए एक्स माइनस के कोस बी एक्स इंटू वन बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स. वैसे ऐसा लिखने से अब ये तो एफ बनेगा और जो अपॉन वाला है उसको जी कंसिडर करना है. ठीक है, तो अब कैसे करोगे? इस टाइप से लिख के सबसे पहले तो हमें क्या करना, अच्छा एक ये तो है ही है, ये कब करना है? पहले तो आप 0 टू इन्फिनिटी को ब्रेक करोगे. पहले हमने ब्रेक नहीं किया इसको, पहले क्या करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी को भाई कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स है, पहले तो इसको 0 टू 1 प्लस फिर 1 टू इन्फिनिटी. अब ये बन जाएगा आई वन और दूसरा क्या होगा? आई टू. ठीक है, आई वन हम सोल्व करके दिखाएंगे. देखो पहले बनेगा कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो देखो मैं पहले आई वन बताता हूं. इन केस ऑफ आई वन पहले तो वन पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे ही एक्स टेंस टू जीरो करते हैं कोस ए एक्स माइनस के कोस बी एक्स बाय एक्स स्क्वेयर, इसमें जीरो करें तो कोस जीरो वन, कोस जीरो वन, वन माइनस वन क्या हो गया? जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म. अच्छा जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल. तो देखो क्या आएगा कोस ए एक्स का, ये हो जाएगा माइनस के साइन ए एक्स इंटू ए माइनस माइनस प्लस के साइन बी एक्स इंटू बी अपॉन में क्या आ जाएगा? टू एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो. अब फिर से क्या आ जाएगा? ये देखो फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, तो यूजिंग अगेन एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं तो देखो माइनस का ए स्क्वेयर कोस इस साइन ए एक्स का क्या हो जाता है? कोस ए एक्स. प्लस के क्या आ जाएगा? बी स्क्वेयर साइन ए एक्स का क्या, साइन बी एक्स का क्या आ जाएगा? कोस ऑफ बी एक्स. और टू एक्स का क्या आ जाता है? टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो. ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय टू. दिस इज फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट है सो आई वन इज प्रॉपर. आई वन प्रॉपर हो गया देयर फॉर कन्वर्जेंट. ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी.
जस्ट हमने क्या चेक किया, इसमें जीरो पे फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, आई वन प्रॉपर तो कन्वर्जेंट। अब हम लेते हैं इन केस ऑफ आई टू, आई टू में जैसे वन टू इन्फिनिटी है, कोस ए एक्स माइनस के कोस बी एक्स इन टू वन बाई एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है, तो ये एफ और ये जी, ये आ गया, ठीक है। तो पहले तो वन से टी कोस ए एक्स माइनस के कोस बी एक्स इस टाइप से लोगे, और डी एक्स और इसकी मोड वैल्यू, ठीक है। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स बाय ए, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स अपॉन बी, और वन से टी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट क्या है, साइन ए टी बाय ए माइनस साइन बी टी बाय बी माइनस के साइन ए बाय ए प्लस के साइन बी अपॉन बी, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए टी बाय ए प्लस के साइन बी टी बाय बी प्लस के साइन ए बाय ए प्लस के साइन बी बाय बी। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है, वन होती है, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज टू बाय ए प्लस में टू बाय बी, ये तो क्या है, फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब वन से टी एफ डी एक्स मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू एनी फाइनाइट नंबर, सो वन से टी एफ डी एक्स तो क्या होगा, दिस इज बाउंडेड। ऑल्सो जी एक्स क्या है, वन बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करो, नेगेटिव आ गया, हेयर जी इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बाउंडेड भी है एंड ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। बाउंडेड कैसे लिखोगे, देखो वन पुट करोगे तो वन और इन्फिनिटी पुट करोगे तो जीरो, बिटवीन वन जीरो टू वन वैल्यू है इसकी, तो ये बाउंडेड है, बिकॉज जो जी एक्स है इस टाइप से है, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो है। कैसे, वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, सो बाय डिरिचलेट टेस्ट जो I2 है, दिस इज कन्वर्जेंट। अच्छा, I1 कन्वर्जेंट, I2 कन्वर्जेंट, सो I भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, देयरफॉर I इज कन्वर्जेंट, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट करते हैं इसमें, तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं अब थोड़ा थोड़ा हिंट बताता हूँ, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे अब। जीरो टू इन्फिनिटी साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स, बिल्कुल सिंपल है, पहले तो जीरो टू वन और फिर वन टू इन्फिनिटी, ये आई वन तो प्रॉपर बन जाएगा अभी, तो आई वन प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट। आई टू के केस में क्या लेना है, जैसे वन टू इन्फिनिटी लोगे, साइन के एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसको आप लिखोगे वन टू इन्फिनिटी साइन ऑफ के एक्स इन टू वन बाई एक्स डी एक्स। अब इसको तो आप एफ एक्स कंसिडर करो और इसको जी एक्स, बिल्कुल अब लास्ट जैसे क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हो जाएगा, तो आप इसको कर लें। ऐसे ही फोर्थ पार्ट, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू कोस ऑफ बी एक्स डी एक्स, तो वही पहले जीरो टू वन फिर वन टू इन्फिनिटी, आई वन प्रॉपर हो जाएगा। आई टू के केस में आपको कैसे करना है, देखो कोस बी एक्स वन टू इन्फिनिटी है ना, कोस बी एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये फर्स्ट वाला तो एफ है, सेकंड वाला हमारा जी है, ठीक है। अब ऐसे सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, डिरिचलेट टेस्ट ही यूज करना है। अच्छा, फिफ्थ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जीरो टू इन्फिनिटी कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर है, जैसे साइन एक्स की पावर पी था बिल्कुल वैसे ही, जीरो टू वन पहले तो फिर वन टू
इन्फिनिटी और वन टू इन्फिनिटी वाला केस में जो cos ऑफ x स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इसमें कैसे सोल्व करोगे? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड। तो ये फर्स्ट तो हो गया हमारा f और ये क्या हो गया g, अब सोल्व हो जाएगा। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा, 1% भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इसमें कुछ नहीं है नया। इसमें क्या है, 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स है। डिरिचलेट टेस्ट का यूज करना है, पहले तो 0 टू 1 लिख लो साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, फिर 1 टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आई वन हो गया, आई टू हो गया। अब आई वन तो प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट है, इन केस ऑफ आई टू, आई टू में आप 0 टू इंफिनिटी 1 टू इंफिनिटी है, इसको लिखोगे साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। ये तो हो गया एफ और ये हो गया जी। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.4 के हमें इतने ही क्वेश्चंस करने हैं और बाकी करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बाकी हम करेंगे कल।